रणजी ट्रॉफी में इस समय मुंबई और मध्य प्रदेश के बीच फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच की पहली पारी में मध्य प्रदेश ने 536 रन बनाए। मध्य प्रदेश के बल्लेबाजों ने शानदार खेल दिखाया। इस मैच में पृथ्वी शॉ को गुस्सा आ गया और वह अंपायर से बहस करते हुए दिखाई दिए। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुंबई के लिए पारी का 125वां ओवर मोहित अवस्थी कर रहे थे, तब मध्य प्रदेश के लिए रजत पाटीदार और आदित्य तारे बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी मोहित की गेंद बल्लेबाज के पैर से टकराई, जिस पर गेंदबाज ने बड़ी अपील की, लेकिन अंपायर ने खिलाड़ी को नॉट आउट दिया। इस फैसले के बाद मुंबई के खिलाड़ी हैरान नजर आए। तभी मुंबई के कप्तान पृथ्वी शॉ अंपायर से बहस करते हुए दिखाई दिए। कप्तान पृथ्वी शॉ बल्लेबाज को आउट ना दिए जाने के बाद बहुत ही गुस्से में नजर आए। काफी देर तक वह अंपायर से बहस करते हुए दिखाई दिए, लेकिन रिप्ले में देखने में पता चला कि अंपायर का फैसला एकदम सही था।